अनंत शक्ति को जागृत करो, एक बार होश आ जाए कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल कहीं बाहर नहीं है, ताकत कहीं बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वह सब मुझ में है, वह मेरे भीतर है। जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने का प्रयास करो, जीवन तुम्हारा धन्य हो गया। अनंत सुख, कितना सुख है भगवान हमको तो दुखी दुखी है, जब भी भगवान के पास आओ हम दुखी। अरे भगवान कह रहे तुझमें तो अनंत सुख है, दुखी क्यों होता है? सारा सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर मान्यता का सुख है और मान्यता का दुख है। किसी को अपना मान रखा है इसलिए दुखी हो। दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोज हो रही है, रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? उनको अपना नहीं माना, किस में रोते हो? तो सुख दुख मान्यता में है या सामने वाले में? अपनी मान्यता में सुख दुख है। भगवान कह रहे तू तो ऐसा मान ना, बैठ जा देवी, तू ऐसा मान कि मैं तो अनंत। मान्यता ही का तो सुख दुख है, मानना ही तो है। तो अपने को सुखी मानना, हर परिस्थिति में अपने को सुखी मानना, यह मनुष्यता हुआ करती है। दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, एक ऐसा मानव जीवन, एक ऐसी मनुष्य की जिंदगी है। नहीं, सुख हो या दुख हो, मेरा स्वभाव क्या है? अनंत सुख मेरा स्वभाव है। ये सुख दुख तो लहरें हैं, आएंगी और चलिए, पल भर का है, क्षण भर का है। सब दिन होतना एक समान, सब दिन एक से होते हैं क्या? नहीं, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। उस समय क्या चिंतन करना है? उस समय ये चिंतन करना है, हे आत्म परमेष्ठी, हे आत्मा के भगवान, एक बार अपने अंतस में जा, तुझ में अनंत सुख है। क्या है? एक बार अपने को पहचान लो, जान लो, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भगवान ने चार अनंत चतुष्टय के बारे में बोला है, चार अनंत चतुष्टय के बारे में। अनंत ज्ञान है मुझ में, उसको जागृत करो। इतना ज्ञान है मुझ में कि छोटा मोटा ज्ञान तो छोड़ो, मैं केवल ज्ञान को भी जागृत कर सकता हूं। वह बाहर से नहीं आता केवल ज्ञान, भीतर से प्रकट होता है, अंतर से प्रकट होता है। अनंत दर्शन, वह भी मेरे भीतर। किताबों में ज्ञान होता है क्या? स्कूल जाते हो पढ़ने, किताबों में ज्ञान है कि तुम में ज्ञान है? किसमें है ज्ञान बोलो? इस किताब में जो लिखा है, क्या लिखा है, ये तुम जान रहे या किताब जान रही? कौन जान रहा है? तो ज्ञान किसमें है? अपने में है ना। किताब में ज्ञान थोड़ी है, पुस्तकों में ज्ञान थोड़ी है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझ में है, किताब तो सहारा है, किताब तो एक माध्यम है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो पेन भी लिख देता। पेन लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन लिखता बोलो? हाथ लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन है लिखने वाला? शरीर लिखता है कि मैं लिखता हूं? मैं हूं लिखने वाला। यदि मैं निकल जाऊं तो हाथ भी रहेगा, पेन भी रहेगा, एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा। लिखने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। ना ज्ञान बाहर है, ना दर्शन बाहर है, ना सुख बाहर है, ना बल बाहर है। शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ दो, नहीं महाराज, अरे इसमें ही तुमको कष्ट आ गया। कैसे अनंत चतुष्टय के स्वामी हो तुम, विचार करिए। तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो मोक्ष जाने की शक्ति है। ये धन्यता का अवसर है जो चतुर्मास यहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए इस बार चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवार आए। शिकायत रहती थी ना, जाते तो हैं, महाराज के पास टाइम नहीं मिलता है, महाराज के पास बैठ नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। हमने कहा इस समस्या तुम्हारी खत्म कर देते हैं, अब आओ पूरा दिन सुबह से शाम महाराज के। इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर्मास में दिया जा रहा। सुबह से भगवान की भक्ति, सुबह से भगवान का अभिषेक, मंत्रों का जाप, आहार दान का लाभ, ये तीन चार घंटे अभी विधान में, अभी आरती में, इतना समय, ये अवसर मिला है। ध्यान रखना,
अवसर मिला है अपने चित्त के आगाध स्वरूप को जानने का प्रयास करें, अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। और केवल ये अवसर ही नहीं मिला है, हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक अवसर है इस नर से नारायण बनने के लिए, शरीर भी एक अवसर है भगवान बनने के लिए, शरीर भी एक अवसर है कल्याण का, ये शरीर खुद एक अवसर है, मनुष्य भाव खुद एक अवसर है, क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से नरकों से देवों से शुरू नहीं होती है, भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारंभ हुआ करती है। ये अवसर मिला इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करें? वाणी का सदुपयोग करो, अच्छा बोलो, हितमित प्रिय बोलो, ये वाणी का सदुपयोग है। निंदा चुगली बुराई ये वाणी का दुरुपयोग है, गाली गलौज ये वाणी का दुरुपयोग है, वाणी का दुरुपयोग मत करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। इस मनुष्य भाव का एक बात याद रखना, पंचम काल में पैदा हुए हैं भगवान नहीं बन पा रहे, बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ, समझ में आ रहा? भगवान मत बनो लेकिन किसके बन जाओ? भगवान के तो बन जाओ। महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ। ऋषभदेव नहीं बन सकते हो, ऋषभदेव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना, नहीं अभी किसके बने हुए? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के, भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार, मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते ना मनुष्य जन्म को सार्थक करो, कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो, क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो, कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो, कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़ियां आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं, शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग इंद्री संसार उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है, समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया, अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया, यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ, तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने घरवार परिवार इसी में चले जाते, आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है, उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो, अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना, नाम ख्याति प्रतिष्ठा जय जयकार इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं, हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है, लक्कड़ में नाग नागे, पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो, ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका, उन्होंने कहा हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर, तुझे कष्ट देना है मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस परम इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन नागिन को बचाने के लिए सात भव तक कष्ट सहन किया, समझ में आ रहा? किसके लिए?
एक जीव को बचाने के लिए सात भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं। विवाह को दर सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा ये पशु ये जानवर किस लिए बंधे हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए, मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर नेमिनाथ भगवान जाकर के, उन्हें करुणा आ गई। जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है, इसमें मत पड़िए। अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है, अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे? कब होगा? अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी, धर्म के मामले में सोचता, अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा? कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाए, क्या भरोसा, दुनिया से विदा हो जाए, सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है, वही हमारा हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूँ मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो।